गाइस एक खास स्वाद होता था, आज पहली बार लाइट नहीं गई, मैं आराम से सो सका हूँ। और अभी आज जो है मुझे, मैं तैयार तो नहीं हूँ, मतलब मैं जल्दी, मेरे को, मैं रेडी हो चुका हूँ वैसे जाने के लिए। आज हमारे गांव में आ रहे हैं राजेंद्र जी राठौर एक पुलिया का उद्घाटन करने के लिए, और ये अंकू भाई भी तैयार हो गए हैं, ये आ गए, अमीने का वेट कर रहे थे, अभी जा रहे हैं भाई वहीं पे भवन में। प्रोग्राम सेट कर दिया, अभी तो गाँव के ही कुछ आदमी बैठे हैं। भाई सच बताऊं तो अभी मेरा इतना ज़्यादा बातें करने का मन भी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जस्ट मैं नींद में उठ के आया हूँ। नींद में तो क्या उठ के आया हूँ, उठ के फिर आया हूँ, और बस थोड़ी देर मेरे को फ्लो में आने में टाइम लगेगा, जब तक आप अंकू भाई की बातें सुन लो। तो भैया ये हमारे गांव का सामुदायिक भवन, जो कि समस्त ग्रामवासियों की सेवा से परसाराम जी भाई साहब के नेतृत्व में बनाया गया है, और इसके अंदर भाई साहब ने कैमरे तक भी लगवा दिए, जिसके अंदर हम खड़े दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, सॉरी। और आज यही आने वाले हैं राजेंद्र जी राठौड़ भाई जी, सगाई बार पिकअप कर डाली है, काम धंधा तो चालू कर दिया है। ये हमारे गांव का सामुदायिक भवन, और किस लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं चाहता था कि कोई और समझाए, लेकिन वो इसमें सक्षम नहीं हो पा रहे, मैं बताता हूँ। देखो राजेंद्र जी राठौर आ रहे हैं, जो कि हमारे गांव और मौलीसर के बीच में एक पुल बना है, उसका उद्घाटन करने के लिए। तो उसी बहाने हमारे ये जो गाँव का जो है नया सामुदायिक भवन बना है, वहाँ पे भी आ रहे हैं। और ये देखिए, ये है सामुदायिक भवन, ये देखो भाई, इन्हें तो आप जानते ही हैं। और वहाँ पे जो है टेंट लगा रहे हैं, वहाँ पे वो आएंगे, कुर्सी लगा दी है, हमारे गांव के आदमी भी यहीं बैठे हैं। और ये देखो, ये अंदर से भाई, ये होली के टाइम में वो जो चंग बजाते हुए, यहाँ पे देखो भाई कैमरे भी लग रखे हैं, सीसीटीवी कैमरे, यहाँ पे रिकॉर्डिंग सारी दिखाई जाती है। और दोस्त आज कौन आ रहे है, कौन आ रहे है भाई, ये देखो अपनी अपनी फोटो लगवा ली है कि एक बार यहाँ सामुदायिक भवन के पास इकट्ठे हो जाए। अरे वो बिड़ा दियो ना, वो बिड़ा दियो, बड़ा छोड़ छोड़, एक नीचे थोड़े, एक नीचे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो, डर गए थे भैया। अरे बड़ा बड़ा दी, हाँ गाइस नॉर्मल सी वायर के कारण आ गई। अरे भैया अड़ाती ले रहा हूँ, हाँ नीचे बैठो, नीचे बैठो, वीडियो में काड़ो कर दूला, वीडियो में काड़ो कर दूल, नीचे बैठो जल्दी, वहाँ से नीचे बैठो। जल्दी वहां से हटो, अरे ले रहा हूँ नाको जो अटे बैठ रहे हो भाई जी, अटे बैठ रहे हो, हाल नो को नहीं लाइट आ अरे 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 रुको जरा, सब्र करो, सॉरी छोटा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, पुलिया अभी बना नहीं है, काम होना चालू है, आरंभ है उसका, ऐसे बोले तो न्यू भरी जा रही है उसके लिए। सगड़ा लाइन में ना जो धीरे धीरे दे, धीरे 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 दे, खूब एक घंटा भाई जी धीरे तेज ट्राई कर ली सब, एयर बना जाती है थोड़ी देर में सही हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही कर दी नेता की जरूरत नहीं है गाइस, बाइक के लिए भी इतनी भीड़ हो सकती है। दोबारा काट दूं, सही भी पता ना लग गेड़ो वे, हां सही है, पर देख के रास्ते में पता लग गया भाई कमी को नहीं कोई भी। सही ना जोर है, अरे ना करो ओए, आगो मंत्री ओए मंत्री को
कोई बात नहीं बताऊ माला मुला बैठा 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 माला बैठा बैठा के समग्रो समग्र अरे रतन दान है अरे तो तुमने भी फराना आया पीछे सर के खड़े होते चलो चलो सिनेमेटिक शूट ले लिया हमने बियों मैं दाखिल नहीं हाल दे दो यार थोड़ा तो तो आ गए हैं यहाँ पे
अभी जो है नेताजी आके बैठ चुके हैं और वो देखो रमेश भाई सेवा करते हुए। अब इसके बाद सब अभिनंदन जी की कड़ी में मैं आगे नाम बोल रहा हूँ। श्रीमती मंजू देवी शर्मा सरपंच ग्राम पंचायत मोदी सरबड़ा, इनका स्वागत करेंगे साल उठाकर। उप जिला प्रमुख का स्वागत करेंगे श्री बलराम जी धानड़। प्रधान पंचायत समिति चूरू, इनका स्वागत करेंगे श्री मदन लाल जी भाकर। उप जिला प्रमुख का स्वागत करेंगे श्री श्यामलाल जी स्वामी। प्रोफेसर श्रीमान राजेंद्र जी राठौर साहब, अपने वर्तमान जो अभी भी निर्वाचित होके आए भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और बड़े भाई साहब लाल जी सारण साहब, पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद जी राठौर साहब, ये देखिए सुबह कार्यक्रम चल रहा है, अंदर अलग ही कार्यक्रम चल रहा है। तो गाइस अभी काफी देर हो गई है, अभी घर पे चलते हैं। मंदिर जी जो है भाषण दे रहे हैं और पुलिया का जो है उद्घाटन कर दिया है। चले मेरू भाई ठीक है, और वो भाई लड्डू बांट रहे और नेताजी नेताजी लाइट नेताजी करो ठीक है भाई जी ले तो जल्दी मत थाने का दो तीन जना बस मैंने पहले 4 लाख था ना आले रोबी साहब आले आजा ले लो तो भाई नेताजी तो अभी भाषण दे रहे हैं, हमें तो अपना काम करना पड़ेगा ना भाई। सामने से लाइट पटक रखी है, कुछ नहीं दिख रहा आगे से, फिर भी चलो बता दूँ। अभी मेरे को थोड़ा मतलब वो तो पता नहीं कब तक रहेंगे, मेरे को जाना है पूजा वगैरह करनी है, तो चलते हैं घर पे। सामने से बीच बीच में देखना पड़ रहा है, कुछ है तो नहीं, आँखें सामने से लाइट आ रही। चलो भाई अभी चलते हैं घर पर।